वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्लास ट्वेल्थ फाइन आर्ट्स के फाइन आर्ट्स इसलिए कह रही हैं क्योंकि इस बार हम लोग सबके सब सैम्पल पेपर्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग ग्राफिक्स कल्चर कॉमर्शल आर्ट्स सब ठीक है एंड आई वुड रिकमेंड अगर आप पेंटिंग के स्टूडेंट्स हो तो भी आप कॉमर्शल आर्ट का देखो तो भी आप ग्राफिक्स का देखो अगर आप स्कल्पचर के स्टूडेंट्स हो तो भी आप बाकी जो तीन सब्जेक्ट्स हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर है सैम्पल क्वेश्चन पेपर उनको ध्यान से देखो द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि सबका सैम्पल पेपर जो है या फिर सबका जो सिलेबस है वो सेम है सिर्फ चैप्टर का डिफरेंस है दैट्स इट बाकी हर एक चीज़ जो है वो सेम है ठीक है ओके नंबर वन नंबर टू बिफोर स्टार्टिंग विद योर सैम्पल पेपर्स आई वॉन्ट टू एड्रेस अ फ्यू ऑफ योर क्वेश्चन देखो भाई सबसे पहली चीज क्या आपको पेनोरामिक एनसीआर टी जेड जो बुक्स है वो पढ़ने की जरूरत है आई वुड रिकमेंड कि भाई लास्ट मोमेंट है इतना सब कुछ डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल डीप डी जा करके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे हर एक चीज़ डाल रखी है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जस्ट इन केस वो लिंक ओपन नहीं होता आपको मिल नहीं रहा है टेलीग्राम नामक एक ऐप है आप वहाँ जाओगे वहाँ जा के टाइप करोगे सर्च में ठीक है स्टडी बॉक्स बाय सागर का वहाँ पे आपको जो ऐसा पिक्चर आ गई होगी ये दिखाई देगा जाओ जा करके इसको क्लिक करो इसके अंदर आपकी जितनी फाइल्स हैं जितने नोट्स हैं सब आपको यहीं पे मिलेंगे एंड मैं इसके बाद अब जितनी भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर्स सब मैं वहीं पे अपलोड करने वाली हूँ इनफैक्ट इस साल के सैम्पल पेपर्स भी मैं वहीं अपलोड करूंगी ठीक है तो जाओ जाकर के वहाँ से ढूंढो ठीक ओके नेक्स्ट थिंग इसकी भाई लर्निंग की ट्रिक्स क्या होंगी देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया था कि आपको टाइम पीरियड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आंसर शीट में भी कहीं नहीं मांगते आपसे टाइम पीरियड ठीक है नंबर टू आपको पेंटिंग्स कैसे याद करनी है उसके लिए वैसे मैंने प्रॉपर एक माइंड मैप्स बनाने शुरू कर दिए आप लोग के लिए पेंटिंग्स के थ्रू माइंड मैप्स बनाऊंगी मैं आपको वो मैं सेंड कर दूंगी आपके टेलीग्राम चैनल पे ही बट वैसे कैसे याद करना है कि भाई पेंटिंग सामने रखो उसका डिस्क्रिप्शन सामने रखो उसके अकॉर्डिंग याद करो एंड वन मार्कर्स की पी भी मैंने अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर जाके आप देख सकते हो ठीक है थर्ड थिंग इसके भाई क्या क्या पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं है पुराने वीडियो से पढ़ना है नई वीडियो से इट्स अप टू यू यूगाइ ठीक है एंड पुरानी वीडियोज भी मैंने डाली हुई हैं आप उससे पढ़ सकते हो चाहो तो बट नई वीडियोज़ में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट स्टार्टिंग के दो यूनिट्स जिसमें कि आपके चार चैप्टर राजस्थानी पहाड़ी मुगल डेकिन इन चारों को आप एटलीस्ट इस साल की वीडियो से ही देखो क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड इसी मतलब इन्हीं में से आपके वन वन मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं पोर्शंस में से आते हैं ठीक है तो आई वुड रिकमेंड कि इस साल की एटलीस्ट उन चार वीडियो को तो जरूर देखो देखो बाकी देखोगे तो भी बहुत अच्छी बात है साहब वीडियोज इस बार की बिल्कुल डिटेल्ड में ठीक है तो आपकी टू द एंड पॉइंट की प्रिपरेशन हो जाएगी एंड ट्रस्ट मी साथ साथ बैठ के नोट्स बनाओ माइंड मैप्स बनाओ एंड प्लीज़ पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है बेल अब ये आपका सैम्पल पेपर है पूरा का पूरा ठीक है अब आपको अपना सैम्पल पेपर दे दिया है सेम टू सेम आपका आएगा क्वेश्चन पेपर अब आपको इसको लिखना कैसे है ये जो आपके क्वेश्चन हैं कि आप कोई नंबरिंग गलत ना कर दो या फिर और वाले क्वेश्चन में टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है ऊपर वाला किया है या फिर नीचे वाला किया है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ना पुराने लाइक पिछले साल मैंने बच्चों को प्रॉपर लिख करके बता दिया था कि आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर्स को अटेम्प्ट करना है शीट के ऊपर ठीक है so तो मैं ध्यान से सुनना है इस बात को मैं आपको रिपीट कर रही हूँ 2022 और 23 मतलब लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर था मैं उसकी यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ ताकि आपको बस एक आइडिया मिले कि हाउ यू हैव टू राइट ऑन अ शीट ऑफ पेपर पेपर पे कैसे लिखना है जितनी भी फोटोज आपके सामने आ रही हैं ये पुराने साल की हैं ये बस तरीका है कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ लिखनी है और मैंशन करनी है नाउ इसमें अगर आपको टाइम पीरियड दिख रहा है तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हो हटा सकते हो डिस्कार्ड कर सकते हो ठीक है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मत लिखना बाकी जो पांच छह चीज़ें हैं लिखी हुई हैं टू मार्क्स के क्वेश्चन में उनको ध्यान से याद से लिख करके आना बिकॉज आपके सी बी एस ई की आंसर शीट में वो सारी की सारी चीज़ें मांगता है ठीक है वेल well, या मैंने आपको सब बता दिया आपको कैसे आपके आंसर्स लिखने हैं अब फटाफट से थाम्बल पेपर को ही डिस्कस कर लेते हैं देखो भाई सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई आपको जो पेपर होगा वो दो घंटे का होगा एंड तीस मार्क्स का पेपर होगा ठीक सत्तर मार्क्स का प्रैक्टिकल दे चुके हो जैसा भी गया है अब उसको छोड़ दो अच्छा गया है वेरी वेरी गुड आगे के लिए अच्छा प्रेपेयर करो बुरा गया है तो इसके लिए थर्टी वन थर्टी लाने की पूरी कोशिश करो ठीक ओके अब सेक्शन ए पे आते हैं भाई तो सेक्शन ए के अंदर रहेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ वन मार्क्स के क्वेश्चन ठीक है अब वन मार्क्स के आपके होंगे एट क्वेश्चन ठीक है टू मार्क्स के आपके होंगे भाई फाइव क्वेश्चन एंड सिक्स मार्क्स के होंगे आपके थ्री क्वेश्चन ये जो मैं आपको सिलेबस की वीडियो बता रही थी मैंने तब भी बताई थी कि कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चनस रहेंगे ऑल्सो अगर आपको अभी तक भी पता नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है तो प्लीज़ जा करके इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लेना ठीक है इसमें हर सब्जेक्ट का है ग्राफिक्स कल्पचर पेंटिंग एंड कमर्शियल आर्ट सब का है अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है भाई कि जितने भी आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे फॉर एग्जांपल आपके वन मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टोटल एट क्वेश्चन रहेंगे एंड उसमें कोई भी आपके पास चॉइस नहीं है ठीक है आपको एट के एट कंथर्स होने चाहिए आपको आने ही आने चाहिए सेक्शन बी की बात करें तो आपके पाँच क्वेश्चन हैं एंड उसमें आपको और में क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक आपके पांच क्वेश्चन हैं तो आपके पास हर एक के अंदर चॉइस ही चॉइस है आपकी बात करें अगर हम लोग सेक्शन सी के अंदर तो उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपको एज इट इज दे रखा है क्वेश्चन नंबर एक और है जैसे कि फिफ्टीन क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है एंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आपको दो अटेम्प्ट करने हैं बस ठीक है अब आते हैं वापस से आपके सेक्शन नंबर ए के ऊपर अब यहाँ पे आपको अपना इसको बेस्ट कंटेस्ट करना है कि आप पूरे के पूरे नंबर लेकर क्या चलो भाई नंबर वन इज स्कूल, पेंटिंग थीम्स। कि जितने भी आपकी पहाड़ी स्कूल पेंटिंग की पेंटिंग का थीम है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है तो यस रामायण के ऊपर भी है रसिक प्रिया के ऊपर भी है एंड गीत गोविंद के ऊपर भी है तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज असोशन एंड रीजन अब इसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना असोशन का मतलब होता है पहले बात तो फैक्ट या फिर बिलीफ कि भाई मैं जो बात बोल रही हूँ वो बिल्कुल मैं फैक्ट के साथ बोल रही हूँ बिलीफ के साथ बोल रही हूँ मुझे पता है वो सही है और रीज़न इस कि जो मैंने ऊपर बोला है अभी यहाँ पे इन दिस केस सैम्पल पेपर केस में जो मैंने ऊपर बोला है अभी वो मैं बिल्कुल सही तरीके से बोला है हाँ उसका रीज़न क्या है या फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने क्या वो सही है कि नहीं तो आपको वो इन्हीं सबसे पता लगाना होगा ठीक है आप पहले समझ लेते हैं कि असोशन में बोल क्या रहे हैं मैं सीधे सीधे हिंदी में अनुवाद करके आपको उसका मतलब समझा रही हूँ इट कि भाई यहाँ पे जो हमारे मेंटर हैं वो हमें गाइड करते हैं कि बहुत जो सुप्रीम गॉड है वो बिल्कुल प्रोफाउंड है मतलब कि उनकी जो वाणी जो उन्होंने ज्ञान दिया है जो उन्होंने बात बोली है वो बिल्कुल सही है तो हमें ऐसा ही कहीं कही ना कहीं देखने को मिल रहा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो की जो पेंटिंग है उसके अंदर नाउ इफ़ यू रिमेंबर ये जो पेंटिंग है ये आपकी डेकिन स्कूल से ली गई पेंटिंग है जहाँ पे आपके सिर्फ दो पेंटिंग्स थी एक चांद बीवी प्लेइंग पोलो एंड ये हजरत निजामुद्दीन औलियान आमिर खुसर वाली पेंटिंग्स इसके दोनों ही आर्टिस्ट अननोन थे ठीक है अब यहाँ पे जब आपको ये पेंटिंग अगर याद आ गई तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखी हमने देखी थी ठीक है अब सेकंड क्या है रीज़न कि भाई बाय ओबेइंग आर गुरु हमारी गुरु की बात समझने का हम बहुत ही एक पीसफुल बहुत ही अच्छा एक जो सोसाइटी है बहुत ही प्रॉस्परस सोसाइटी वो बना सकते हैं तो क्या है इसका रीज़न अब सही है कि नहीं तो दोनों में देखो कहीं ना कहीं बातें जो हैं वो सेम ही हैं ठीक है आपसे बिल्कुल ऐसे बहुत ही टिपिकल नहीं पूछा जाए कि ओ माय गॉड आपको इतना दिमाग करना पड़ जाए बहुत ही सिंपल सा और सरल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो सुप्रीम गॉर्ड है उसकी वानी है उसके बारे में बात हो रही है हजरत नजामुद्दीन औलिया नामिर खसर वाली पेंटिंग पे और वही बात आपको रीजन में भी दी गई है कि क्या हम अपने गुरु को बे करके बहुत ही अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं तो द आंसर इज़ यस आंसर इसका ए होगा क्यों बोथ ए एन आर आर ट्रू यस एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ देन यस वही बात तो की गई है यहाँ पे बाकी अब सब सब पढ़ के देखो इज़ ट्रू आर इज फॉल्स है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि दोनों ही बातें सही सही बोली गई हैं हटा दो थर्ड फोर्थ को तो क्रॉस कर दो फिर आते हैं सेकंड पे ए एंड आर आर टू दोनों ही ठीक है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्यों भाई यहाँ पे भी तो गुरु की ही बात की गई है और जो ऊपर है वहाँ पे भी आपके मेंटर की ही बात की गई है एंड यहाँ पे भी सुप्रीम गॉर्ड एंड प्रोफाउंडिटी की बात की गई है और सेम हेयर पीस एंड प्रोस्पेस सोसाइटी की बात की गई है तो कहीं ना कहीं हर जगह आपसे बात की गई है यहाँ पर कि हाँ भाई हमें गुरु की बात को समझना चाहिए वो हमें जो डिवाइन जो राइट बता रहे हैं या फिर जो डिवाइन हमें ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उसी के अकॉर्डिंग ही हम एक अच्छी सोसाइटी प्रॉस्परस सोसाइटी बना सकते हैं प्लीज़ आई नो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिर मैं बता रही हूँ तो ईजी तो लग ही रहा होगा बट क्वेश्चन को उस टाइम दो से तीन बार पढ़ना जिस पेंटिंग के बारे, बारे में बात की गई उसको ध्यान से सुनना समझना आई मीन ठीक है ओके नेक्स्ट इज कि भाई द यूज ऑफ पेंटिंग फेसिस इज इन द साइड प्रोफाइल बिकेम द हॉलमार्क ऑफ कौन सी पेंटिंग्स का हॉलमार्क बना हमने ट्राइबल्स पेंटिंग पढ़ी ही नहीं है कंपनी पेंटिंग भी पढ़ी ही नहीं है बंगाल स्कूल की अगर आप बात करो तो यहाँ पे बिल्कुल नेशनलिज्म वगैरह की फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी जहाँ पर शिवायन शक्ति सामने देख रहे हैं राधिका पेंटिंग भी आपकी कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई गई उसमें लैम्प दिखाया गया एंड वो भी ऐसी थ्री टाइप की पेंटिंग है अगर आप उसमें लोटस बर्ड वगैरह देख रहे हो ठीक है एंड बीच लैम्प भी है फिर हम देखते हैं पेंटिंग फेसेस और चलो अगर राधिका को अगर आप हम लोग ले सकते हैं कि हाँ भाई उसमें भी वो उस सिर्फ साइड ही प्रोफाइल दिख रहा है जस्ट इन केस तो आप यहाँ पे सोचो बंगाल स्कूल के अंदर ही हमें शिवान सती देखने को मिला है जिसमें वो फ्रंट वेस हम पूरा पूरा देख सकते हैं शिव जी का ठीक है तो कहीं ना कहीं बंगाल स्कूल भी नहीं है अब बची है हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग आप राजस्थानी से उठा करके प्रॉपर डेकन तक में देखोगे आपको हर जगह पे वही दिखाई देंगी सिर्फ और सिर्फ साइड पेंटिंग्स ही तो द आंसर ओवर हेयर इज मिनिएचर पेंटिंग इज साइड पेंटिंग प्रोफाइल जिसकी दिखाई गई दैट इज़ आपके मिनिएचर पेंटिंग्स ठीक है नेक्स्ट इज़ भाई नंद यशोदा एंड गोइंग टू वृंदावन इज रिफ्लेक्टिंग द द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ यूथ बाय बाय टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी एट अ क्रूशियल मोमेंट आर्टिस्ट किस आर्टिस्ट ने बनाई है सीधे सीधा क्वेश्चन हमसे पूछ देते कि भाई उसके आर्टिस्ट बता दो तो हमें पता है भाई जो आर्टिस्ट है इनके दैट इज़ नैन सुख ठीक है नंदलाल बोस बोसिया आपके बंगाल स्कूल के हैं ठीक है नूरुद्दीन जो है ये आपके राजस्थानी स्कूल के हैं एंड निहाल चंद हैं वो भी आपके राजस्थानी स्कूल के ही हैं ठीक है नेक्स्ट कि भाई असोशन एंड रीजन अगेन वही क्वेश्चन है ये कि भाई असोशन को मैं फैक्ट देखूंगी चलो भाई ये फैक्ट ही है ठीक तो भाई फैक्ट क्या है हमारा साफ सी बात है डेकोरेटिव बॉर्डर्स यूज किए गए पेंटिंग्स की ब्यूटी को तो बढ़ाने के लिए यस एंड वहीं जो बात की गई कि भाई गोल्डन मोटि ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाना रॉयल्टी को दिखाना तो क्या इन चीज़ों का भी यूज किया गया है येस तो दोनों ही बातें अगर सेम है यस yes, आंसर इसका ए हो गया कि भाई ब्यूटी तो दिखाई है हमने और कैसे ब्यूटी दिखाई है फ्लोर मोटिवस गोल्ड रॉयल्टी को दिखाना फ्लोर ऑफ ग्रांजर को दिखाना ऐसे करके जितनी भी आपकी जो पेंटिंग्स हैं जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं भाई द पेंटिंग बनी ठनी अब यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आई होप याद आपको याद आएगा कि बनी ठनी मैंने आपको जब भी चैप्टर करा रही थी ये मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि बनी ठनी कौन से चैप्टर का है ठीक है बनी ढनी जो है वो क्या किस चीज को दर्शाता है तो भाई ये है आपका वुमेनहुड क्योंकि इसका नाम ही है राधा बनी ठनी ठीक है तो ऑब्वियसली वो वुमेनहुड को दिखाता है इसमें तो कोई दुम्मत ही नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन uh, में ठीक है नेक्स्ट इज द हाईली रियलिस्टिक पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल नियन फालकोन ऑन बर्ड रेस्ट विदना देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज मेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द किंग अब किसके अंडर बनाई गई थी याद है मैंने आपको स्कूल्स लिखवाए हुए हैं सब स्कूल एंड स्कूल लिखवाए हुए हैं तो ये उसी में से आपका क्वेश्चन है कि भाई किस सब स्कूल से जो ये पेंटिंग है आपकी वो निकलवाई गई है तो दैट इज़ कि भाई जहांगीर जहांगीर के टाइम से एंड आपको याद होगा जहांगीर के टाइम पे ही ये पूरी पूरी स्टोरी इनफैक्ट बनी हुई है यहाँ पे कि भाई कैसे वो बिल्ली ने आकर के वो बाज़ को मार दिया तो उसकी याद में जहांगीर ने बोला कि आप जा के इसके लिए पेंटिंग बनाइए एंड सारी पीछे की स्टोरी रिमेंबर तो वही दे रखा इस पेंटिंग के अंदर नेक्स्ट इज भाई इन्फ्लुएंस बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट अमृता शेरगिल कंटेम्प्रेरी येट डीप रूटेड वैल्यूज ऑफ द इंडियन ओरिजिन एम औरिजिन हर ए इन एक्सप्रेसिंग द इनजस्टिस डिडेक्शन एंड पिटी टूवर्ड्स रूरल इंडिया वूमन थ्रू द सिंपल यूज ऑफ अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें दिखाई है कि भाई जो अमृता शेगेल हैं आप देख रहे हो आप एक चीज़ नोटिस करिए आपके आठ क्वेश्चन हैं एंड यहाँ पर आपका मैक्सिमम पोर्शन आया हुआ है आपके यूनिट वन एंड यूनिट टू से सो दैट्स द रीज़न वाई आर टोल्ड यू कि आपको जाकर के यूनिट वन एंड यूनिट टू दोनों तो जाकर के मेरी प्रॉपर डिटेल वाली वीडियो से ही देखनी चाहिए ठीक है ओके बल यहाँ पे आप देख सकते हो अमृता शैगिल ने जो इंडिया के बारे में दिखाने की कोशिश की है डीप रूटेड वैल्यूज़ को उनको किस चीज़ से दिखाने की कोशिश की है भाई सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छा बताया हुआ है कंपोजिशन अरेंजमेंट बहुत अच्छे बताए हुई हैं आप इनकी जो पेंटिंग है आप उससे इस चीज़ को बहुत अच्छे से पता लगा सकते हो कि हाँ भाई जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं अमृता शेरगिल ने उन्होंने इस तरीके से बनाई है ये वही आर्टिस्ट है इफ़ यू गाइस रिमेंबर जो कि बाहर से यहाँ आई थी उनका बहुत ही छोटा सा लाइफ स्पैन भी रहा है उन्हीं आर्टिस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ठीक है तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट मैटर दिखाया है कॉम्पोजिशन अरेंजमेंट दिखाया है तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है ठीक है सो वेल विद दिस हमारे आर्ट के आर्ट जो एम हैं वो कम्प्लीट हो गए हैं अब हम लोग आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर सेक्शन बी के ऊपर आप अपना सेक्शन ए का कंप्लीट करने के बाद लाइन डाल देना या फिर दो से तीन लाइन छोड़ देना ठीक है ओके नेक्स्ट इज भाई की नाइन्थ क्वेश्चन की इंस्टेड ऑफ़ माइथोलॉजिकल थिंग्स इन हिज साइपल ऑफ अविंद्राथ टैगोर शोड हाउ मैन एंड एंड एंगेज इन रूटीन रूटीन एक्टिव टू अचीव विक्ट्री कि कैसे अब आप 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 आपको पहले ही सबसे पहले आपको समझ में आ गया दो तीन आपको हिंडस दिए जाएंगे यहाँ पे अविंद्रनाथ टैगोर ठीक है आपसे देखो डायरेक्टली क्वेश्चन का नाम नहीं पूछा गया ठीक है फिर सेंसेटिव आर्टिस्ट हैं स्कल्पचर बनाई है स्कल्पचर इस बात को याद रखना ठीक है रियलिस्टिक मसल मूवमेंट दिखाई ह्यूमन फॉर्म लेबरर्स अगर आपको इतना बता दिया गया कि भाई स्कल्पचर है ह्यूमन फॉर्म एंड लेबरर्स हैं तो आपको यहीं पे पता चलना जाना चाहिए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेंथ बस आपको पता चल जाना चाहिए था अभी तक में कि भाई हम किस स्कल्चर की बात कर रहे हैं दैट इज़ ट्राइम्प ऑफ लेबर के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वही एक ऐसा आपका स्कल्पचर है जिसके अंदर हम लोग लेबरर्स को देख सकते हैं यूनिटी उनकी स्ट्रेंथ को देख सकते हैं ठीक है अब जब इसका आंसर आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखने वाले हो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है थिंग इज़ कि आप ऐसे ही मैंशन करोगे आर्टिस्ट का नाम उसके बाद अब भैया पेंटिंग का मीडियम क्या है टेक्निक क्या है स्कूल क्या है ठीक है कलेक्शन कहाँ पे है और इसका फिर डिस्क्रिप्शन आप इन सारी चीज़ों को मेंशन करोगे ही करोगे ठीक है ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग क्योंकि एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि आपको मार्क्स किस किस के ऊपर मिलेंगे नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड आर्ट वर्क उसका मेथड उसका टेक्निक लिखना मत भूलना इसके एक नंबर है ठीक है कुछ भूल जाओ चलो आपको कोई बात नहीं कलेक्शन याद नहीं आया कोई बात नहीं बट आप ये चीज़ लिखोगे ये लिखोगे आर्टिस्ट का नाम उसने क्या आर्ट वर्क किया है क्योंकि वर्क का भी नाम नहीं दे रखा है यहाँ पे और कौन सी मीडियम और टेक्निक यूज़ की है ये आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि ये आपके प्रॉपर आंसर शीट में लिखा हुआ होगा ठीक है या फिर आपने जो नीचे वाला क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग आप किस पेंटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हो कि भाई कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट ग्रेटेस्ट पेंटर है भाई हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के अंदर यूरोपियन टेक्निक उन्होंने यूज़ की है प्योर इंडियन सेंसिबिलिटी उन्होंने यूज़ की है एंड इसी के साथ साथ बहुत ही अफोर्डेबल उनके आर्ट वर्क वगैरह भी हैं आप यहाँ पे है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ़ द आर्टिस्ट पेंटिंग मेथड एंड टेक्निक जो कि मैंने आपको अब भी जस्ट ऊपर ऊपर बताया कि आपको ये सारी सारी चीज़ें मैंशन करनी ही करनी है ठीक है एंड इनकी पेंटिंग कैसे बहुत ही रियलिस्टिक है अडाप्टेड फ्रॉम रामायणा नाउ हेयर इज़ द कीवर्ड रामायणा ठीक है तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई किस पेंटिंग की बात कर रहे हैं एंड यूरोपियन टेक्निक्स ये जो वर्ड है यहाँ पे यूरोपियन टेक्निक्स एंड रामायणा ये आपको की वर्ड हैं यहाँ पे आपको पकड़ने हैं जैसे कि आपको पता चलेगा जिस पेंटिंग हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज रामा वेंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन जो कि राजा रवि वर्मा ने बनाई है ठीक है अगेन आप उसको तो ऐसे यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे दोगे नेक्स्ट रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए पर वचन ना जाए विच मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम राजस्थानी स्कूल नंबर वन शोइंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन राम एंड भरत भरत मिर्च रामायण चित्रकूट बस आपको यही पता चल जाना चाहिए कि भाई भरत मिर्च रामायण चित्रकूट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी दो चीज़ देख ली राजस्थानी स्कूल एंड रामायण भरत ठीक है रियल लाइफ द सिंग एंड हाउ इज द आर्टस्ट हेल्पेंट स्टाइल्स स्टेट ऑफ लाइफ बाय एम बाइबिंग वर्चूज एंड फैमिलीज गिव एग्जाम्पल बताओ आपको जिससे कि आज कि जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन है हम उस जनरेशन को याद कर सकें उनके बारे में जान सकें ठीक है so, सो वेल well, यहाँ पे आपको सिंपल सीधी की सी बात है आपको यहाँ पे आंसर अपना एक्सप्लेन करना है कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं दैट्स इट सारी के सारी छः से पाँच चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप बता दोगे ओके okay, अब यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप इसको हल्का सा ना नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख देना कि कैसे आज के टाइम पे जो रामायण है ठीक है आप देख रहे हो आज हमारी जो जनरेशन है हमसे भी जो छोटे बच्चे हैं अब इनफैक्ट नीचे जो हमसे छोटे बच्चे हैं उनको भी कहीं कही ना कहीं पता चल रहा है कि जो हमारी इंडियन के कल्चर है इंडियन की वैल्यूज़ हैं हम उसको देख सकते हैं इन पेंटिंग्स के अंदर तो ऐसे ही करके आप रिलेट करके अपने आंसर्स को लिखोगे अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है फिर आपसे वैल्यूज़ पूछ रहा है वर्च्यूज़ पूछ रहा है ऐसी चीजें ठीक नेक्स्ट इसके और में है ड्यूरिंग द अर्ली नाइनटीन से एक दो लाइन लिखनी है वैसे मैं बता दूँ एक बार कि इसमें एक दो लाइन ही लिखनी है इसमें कुछ ऐसे थीसिस नहीं लिखनी बस एक दो लाइन ही लिख दो कि भाई हमारे इंडियन कल्चर के बहुत अफेक्ट करता है हमारे यूथ को एम्पावर करता है एक वेल well बैलेंस दिखाता है कॉमन पीपल तक अप्रोच करता है या फिर उन तक कनेक्ट कर पाता है दैट्स इट इतनी चीज़ें लिखनी है बस ओकेट ओके दाना शोड एंड राजस्थानी पेंटिंग अब सबसे पहले आपको यह भी पता जाना चाहिए कि दाना अब दानों जो आर्टिस्ट थे इन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई थी उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है एंड यहाँ पे बोला गया है वुमेन एम्पावेंट के एम्पावरमेंट के बारे में दिखाना यानी राजस्थानी पेंटिंग है तीन चीज़ें आपको पता है तो आपको ये पेंटिंग पता है एंड दिस पेंटिंग इज़ चौगान प्लेयर ठीक है एंड इफ़ यू कर डिट गेट्स राइट देन वेरी वेरी गुड गाइज वेरी गुड ठीक है नेक्स्ट इज इन दिस कल्चर द सीरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द डिवाइन पावर गणेशा यहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन में गिवन है अगर आप लकी हो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल गए कि भाई सीधे आपको गिवन है एक दो तो रहेंगे ही ठीक है डोंट वरी ये तो रहेगा कि हाँ भाई कौन सी पेंटिंग आपको बतानी है तो गणेश बता गनेशा जो पेंटिंग है आपको यहाँ पे वो बतानी है ये प्रॉपर आपका बिल्कुल लास्ट जो चैप्टर है उसमें चले जाओ कल्चर जो चैप्टर है उसके अंदर आपको मिल जाएंगी एंड आपको यहाँ पर पूरा का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देना है ठीक है नेक्स्ट इज़ भाई की हुसैन पेंटेड सिनेमा पोस्टर इन डेज ऑफ लिविंग बट हिज आर्ट स्टाइल फ्लरिश एंड वाज लेटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आट पद्म भूषण पद्मन फॉर ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट अब यहाँ पे उनको बताना है कि भाई एम एफ हुसैन की कौन सी पेंटिंग की यहाँ पर बात करी जा रही है तो भाई अगर आपको पता है एम एफ हुसैन की में एक ही पेंटिंग बढ़नी थी दैट इज आपका मदर टेरिसा ठीक है तो आपको यहाँ आप पे उसको आइडेंटिफाई करना है बताना है कि उस पेंटिंग ने आपको कैसे इंस्पायर किया है इंस्पायर करना है देखो भाई साफ सी की बात है अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे उसकी वैल्यूज पूछी जा रही हैं या फिर उस पेंटिंग ने आपको कैसे इंस्पायर किया है या कुछ ऐसे लाइक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ठीक है आप सीधे सीधे वहाँ पे उसका सब्जेक्ट मैटर को हल्का सा मोल्ड करके लिखोगे कि भाई उस पेंटिंग से जो मदर टेरेसा की जो पेंटिंग है उससे हमें दिखाई देता है कि वो कितना सिंपथी थी उनको या फिर वो कितना ज़्यादा ही अच्छा दिखा रहे हैं इस पेंटिंग के अंदर मदर टेरेसा जो कि एक हेल्पिंग हैंड बनी हुई है ठीक है एक पुअर गर्ल के लिए एक चाइल्ड के लिए और एक मैन जो ऐसे लेटा हुआ है उनके लैब के ऊपर तो बहुत ही एक हेल्पिंग हैंड जो है हमें कहीं ना कहीं मदर टेरेसा का दिखाई दे रहा है ठीक नेक्स्ट इज यूज़ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एज ए पैरामीटर एक्सप्लेन उसके बाद तो आपको एक्सप्लेन करना है पेंटिंग की कैसी पेंटिंग है ठीक है दैट्स इट याद रखना जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं वैसे ही आपको आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं ठीक है ओके एवेल्यूएट द स्टेटिंग गेंज ओके यहाँ पे तो आपको सीधे से पूछ दिया गया कि भाई इन दोनों पेंटिंगों तो से जो पेंटिंग आपको अच्छी लग रही है वो यहाँ पे आप बता सकते हो ठीक नेक्स्ट आर नेशनल फ्लैग आइडेंटिफिकेशन कंट्री एंडी वेरी गुड उन्होंने खुद बता दिया कि भाई कौन कौन से जो कलर्स हैं खुद उन्होंने डिस्क, दिया है डू यू फील क्वालिटी योर व्यू पॉइंट हाउ कैन आज वैल्यू हेल्प इन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस आवर कंट्री अब ये जो क्वेश्चन है देखो सबसे पहली चीज़ जब आप इस चीज को देख रहे हो यहाँ पे आपको पता चल गया है कहीं ना कहीं नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर था हमारा उससे ली गई है ठीक है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर उसी बारे में बताना शुरू कर दोगे कि कैसे हमें इतने साल की मेहनत के बाद जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो मिला है अब इसको आप बताओगे कैसे क्योंकि सिर्फ ये दो नंबर का क्वेश्चन है तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको जब भी चैप्टर कराया था तब मैंने आपको यहाँ पे तीन पार्ट्स में इस चाप्टर को पूरा का पूरा पढ़ाया था एंड मैंने इसी के साथ साथ आपको बताती गई थी कि भाई कैसे जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो टाइम टू टाइम चेंज होता आ रहा है पहले आपका हुआ था भाई नाइनटीन जीरो सिक्स में ठीक है वो पारसी बेगान स्क्वायर वाला उसके बाद हुआ था आपका नाइनटीन ट्वेंटी वन में एंड फिर आपका फाइनली हुआ था नाइनटीन फोर्टी सेवन में तो आप इसको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही थोड़े से मैं आप इन तीनों जो ये आपके एवोल्यूशन में आया है बहुत ही कम शब्दों में आप इसको समझा सकते हो एंड जो आपको मेन फोकस करना है वो है आपका जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट् नाइनटीन फोटी सेवन का जो आपका फ्लैग था ठीक है ये जो आपको अभी मैंने फोटो दिखाई है स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो स्क्रीन है स्लाइड का ये आपको खाली मैंशन करना है ये पूरा मेंशन करोगे इसमें एक चीज़ नहीं छोड़ोगे एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मेंशन करना है इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस नहीं कहीं दिख रहा कि ओम गॉड हमसे तो पूछा ही नहीं हम क्यों करें आपको करना है क्यों करना है क्योंकि भाई आपका जो आंसर शीट है ना अगर आप उसको देखोगे जा करके तो उसमें हर एक चीज़ मैंशनड है कि आपको ये ये चीज़ें भी लिखनी ही लिखनी है ठीक है एंड अगर आप अच्छे देशभक्त हो आपके अंदर वैल्यूज़ हैं आपको पता है कि कैसे हमारी कंट्री के कंट्री को हेल्प की थी जब मैं आपको चैप्टर बता रही थी जब पढ़ा रही थी तब तो मैंने आपको बहुत बार इस चीज़ को समझाया कि भाई हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे पोएट्स थे सिंगर्स वगैरह थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी कि हमारे कंट्री को वो आगे लेकर के आए वो नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाएं ठीक है नेक्स्ट हम लोग आते हैं और में लिख सकते हो या फिर आर्ट बिकम्स अ पावरफुल मीडियम एंड इट रिफ्लेक्ट सोशल इशूज प्रॉब्लम्स ऑफ देर वुमेन सफरिंग ट्रामाज ड्यू टू माई प्रैक्टिस आफ्टर अ बींगडो अब यहाँ पर आपको एक चीज मिल गई विडो अब नेक्स्ट इज प्रिंट अब अगर आपको ये पेंटिंग याद आ गई है आई मीन प्रिंट याद आ गया है सो यू रिमेंबर दिस इज ऑफ वॉल्स जहाँ पे एक जो अनुबम सूद ने बनाई है जहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक वुमेन जो है वो बैठी हुई है यहाँ पे एक मेल फिगर ऐसे लेटा हुआ है वेल दैट पर्सन इज़ डेड बट यहाँ पे आपको तभी बता रखा है वो विडो है एंड उसके बारे में इस पूरी पेंटिंग के अंदर बताया हुआ है एंड यहाँ पे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जो आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेंटिंग को दर्शाने की कोशिश की है और क्या इससे हम सोसाइटी से कुछ एराडिकेट होता है कुछ दिखता है तो भाई साफ सीधी सी बात है ऐसे क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है फीलिंग्स के ऊपर वैल्यूज के ऊपर तो भाई पहले आपने पूरी की पूरी पेंटिंग जो है उसको समझा दिया एंड उसके बाद आपने बताया कि कैसे इस पेंटिंग के अंदर हमें देख सकता है हॉलोनेस है एम्प्टीनेस है बहुत ही ज़्यादा सैड है डिप्रेशन है बुरा लग रहा है हमें पेन हो रहा है सैडनेस हो रही है हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं इस प्रिंट के अंदर ठीक है नेक्स्ट सेक्शन सी दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इसकी भाई ग्लोरी ऑफ मुगल्स के बारे में बताना है यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा भज शाह जो आपका था उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हो ठीक है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है साथ ही साथ कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो पेंटिंग है उसको दैट्स इट एंड यहाँ पे आपको मेंशन करना है गोल्डन पीरियड किसको बोला गया है और डाउनफॉल किसको बोला गया है गोल्डन पीरियड आपको बोला गया है जहांगीर के टाइम पीरियड को एंड डाउनफॉल इज़ आपका औरंगजेब के टाइम पीरियड को ठीक है तो जब अपना आंसर लिखना उस पर ना गोल्डन पीरियड इस वर्ड को बॉक्स कर देना या फिर इसको अंडरलाइन कर देना ताकि टीचर को पता चले कि हाँ जो बात बोली गई है वो किसके बारे में बोली गई है ठीक है नाव और इसी के साथ साथ जैसे गोल्डन पीरियड में आपके दो नाम भी आ सकते हैं अकबर की पीरियड को भी और जहांगीर की पीरियड को भी तो आपको दोनों में लिखना है दोनों में लिख दो एक में लिखना है एक में लिख दो लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की पेंटिंग को आप एज इट इज एक्सप्लेन एक करोगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई थ्रो सम लाइट ऑन द राजस्थानी स्कूल के बारे में बताना है उसका डेवलपमेंट कि वो कैसे था क्या था उन सब के बारे में एंड कृष्णा ऑन स्विंग जो पेंटिंग है उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है ठीक है नेक्स्ट ये मैं इलाबोरेट नहीं कर रही बिकॉज मैं आपको जब पढ़ा रही थी मैं आपको ऑलरेडी तब समझाया था कि आपको इस चीज़ को ना डिटेल्ड में समझाना है ठीक है एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ये जो चीज़ है यहाँ पे आप सारे सब स्कूल्स को एक्सप्लेन मत करने लगना क्योंकि सब स्कूल्स आर वे टू बिग ठीक है बहुत बड़े बड़े सब स्कूल्स हैं लिखना होगा नाम लिख देना दो लाइन में या एक लाइन में उस चीन को ख़त्म कर देना बस वरना बाकी जो चीज़ें हैं ऑरिजिन डेवलपमेंट और उसके बाद आपका हो गया सब्जेक्ट मैटर मेन फीचर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है थेके? सब स्कूल लिखना ज़रूर बट खाली एक एक लाइन में या फिर खाली उनके नाम लिख करके छोड़ देना बिकॉज आंसर विल बी वे टू बिग बहुत बड़ा हो जाएगा एंड आपको उसको खत्म भी करना है उस आंसर को क्योंकि आपको ये भी लिखना आगे ठीक है नेक्स्ट इज भाई कि बंगाल स्कूल गेव इंडियन आर्ट रूल मास सपोर्ट फॉर बंगाल स्कूल से है भाई ये क्वेश्चन सबसे पहली चीज़ यहाँ आप पे आपको बताना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बंगाल स्कूल का एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्ट कैसे हुआ जहाँ पे मैंने आपको दो तीन स्लाइड्स में समझाया था कि कैसे वहाँ पे जो अभिन्द्रनाथ टैगोर है उनकी टेक्निक हो गई टेम्पर टेक्निक हो गई उन सब के बारे में आप आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है एंड जो फर्स्ट सेकेंड स्लाइज थी उन सब के बारे में आप, आप, आप बताओगे ठीक है अब चूज एंड डिस्क्राइब एनी वन पेंटिंग टेल मी की डेंट आई एंड टेल यू कि भई आप जर्नीज एंड कर लो इसमें से मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाते समय ही बताया था कि जर्नीज एंड कर लो ताकि आपको वहाँ पे पता चल जाए कि भाई एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है बहुत इजी पेंटिंग है इस पेंटिंग के अंदर आपको रियल लाइफ सिचुएशन दिख रही है सैडनेस दिख रहा है पेन दिख रहा है एगनी दिख रहा है तो आप इन इस, इस सब चीज़ों को देख सकते हो इस वाली पेंटिंग के अंदर ठीक है वेल well, यहाँ पर देखो दो पेंटिंग्स हैं एक है जर्नीज एंड और एक है शिवान सती ठीक है तो ये दो पेंटिंग्स हैं जो कि आपके लिए बहुत सिंपल भी हैं एंड ईजी भी हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से डिपेक्ट कर सकते हो बता सकते हो ठीक है अब जब वो पेंटिंग बता रहे हो तो उसके बारे में आप सब बताने वाले हो नेम ऑफ द पेंटिंग मीडियम क्या है कॉम्पोजिशन अरेंजमेंट सब्जेक्ट मैटर सारी चीज़ और स्टार्टिंग आप करोगे बंगाल स्कूल के डेवलपमेंट और उसके ओरिजिन से ठीक है सो वेल विद दिस ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो सैम्पल uh, पेपर है ऑफ योर पेंटिंग डन इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल आर्ट के ऊपर बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का पेंटिंग है फिर कॉमर्शियल आर्ट है देन फिर हम लोग ग्राफिक एंड कल्चर के ऊपर भी आएंगे ठीक है ओके गाइस तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड आर्ट्स या एफर कमर्शल आर्ट जो है उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर से सेम बिल्कुल एज इट इज़ पैटर्न इसका सेम है आपके टू आर्स का पेपर रहेगा ये तीस नंबर का है एक मार्क्स के होंगे आपके आठ क्वेश्चंस जिसमें कि आपको कोई चॉइस कुछ नहीं मिलने वाली है सब के सब अटैम्प्ट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दो मार्क्स के आपके रहेंगे पाँच क्वेश्चन जहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस जो है वो मिलेगी एंड इसी के साथ साथ आपके छः मार्क्स के होंगे तीन क्वेश्चन जिसमें से कि आपको दो में से कोई तीन में से कोई भी दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ठीक है वेल लेट स्टार्ट विथ सेक्शन ए नंबर वन इज़ की ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टर मेकिंग एलिमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आइडेंटिफाई दैम थ्रू द मिनिएचर पेंटिंग फालकॉन ऑन बर्ड रेस्ट ये भाई फालकॉन ऑन बर्ड रेस्ट है उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको ध्यान दे सकते हो परस्पेक्टिव एंड आइडिया हम देख सकते हैं कि हाँ उसके अंदर परस्पेक्टिव है आइडिया है क्यों भाई क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या था उसके अंदर उस पेंटिंग को दिखाने का कि भाई जो जहांगीर है उसकी जो फालकॉन है वो मर गई है क्योंकि एक बिल्डिंग नगर के उसको मार दिया है तो उसकी याद में उस आइडिया में उसकी याद में हमने इस पेंटिंग का नाम दिया है फालकॉन ऑन बर्ड रेस्ट और उसी के ऊपर इस पेंटिंग को बनाया गया है ठीक है कलस एंड टोपोग्राफी ऑफ कोर्स यू कैन क्वेश्चन दैट्स इट एंड ऑफ डिस्कशन आइडियन स्लोगन येस भाई उनका जो उन्होंने तीन जो वर्ड्स हैं वहाँ पे लिखे हुए हैं ठीक है अगर आपको याद होगा ऐसी जो आपकी वहाँ पे पेंटिंग थी वहाँ पे, आपके तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अब वो तीन वर्ड्स क्या है मुझे आप बताओगे बिकॉज दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो वो वर्ड्स आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है एंड तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें मैच करती हैं तो हाँ भाई सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मैच करती है तो द आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव ठीक है नंबर वन नंबर टू क्वेश्चन इज असोशन इज फैक्ट्स फैक्ट्स एंड रीजन सेवरल सेट्स ऑफ सेम ह्यूमन फिगर्स आर यूज इन दिस पेंटिंग बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स का यूज करके इस पेंटिंग को बनाया गया है डिपेक्टिंग ब्रदरहुड एंड रीयूनियन ऑफ फैमिली ये आपके सिर्फ है एक ही पेंटिंग के बारे में ओके इफ़ यू रिमेंबर ब्रदरहुड हमें पूरे के पूरे उसमें से एक ही में दिख रहा है वो है भाई आपका आ, रामा रामायण भरत वाला दैट इज रामा भरत मीट्स रामायण चित्रकूट ठीक है एंड री यूनियन ऑफ फैमिली के बारे में भी दिखाया गया उस पेंटिंग के अंदर ओके द पेंट दिस पेंटिंग डिपेक्ट ब्रदरहुड एंड री यूनियन ऑफ ऑफ द फैमिली ओब्वियसली मतलब यहाँ पे क्या हुआ इस लाइन को उठा करके दोबारा यहाँ पे डाल दिया गया बोथ ए ए एंड एंड आर 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 ट्रू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तो, तो बल्ले बल्ले सीरियसली गाइस ठीक है नेक्स्ट है कि भाई राजस्थानी मीनिएचर पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलिस्ट्रेशन ऑफ आर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस इट अब यहाँ पे आपको बताया गया है जो आपको पेंटिंग बनाई गई ना कृष्णा ऑन स्विंग तो कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है ड्रॉ अ पोर्ट्रेट विथ फुल एक्सप्रेशन पोर्ट्रेट तो कतई नहीं है वो ठीक है नो हेल्प द व्यूअर अंडरस्टैंड और इमेजिन द जेस्ट और एपिसोड ऑफ अ स्टोरी क्या हमें कोई एक स्टोरी बता चल रही है उससे अगर आप कृष्ण ऑन स्विंग पेंटिंग है द रीज़न वाई आई टोल्ड यू कि आपको पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से निहारो उसको याद रखो ठीक है ये ये वो रीज़न है वो पेंटिंग दो हिस्सों में डिवाइडेड है यहाँ पे कुछ और स्टोरी चल रही है यहाँ पे कृष्ण जी हैं यहाँ पे एक फीमेल है गोपी बैठी हुई है यहाँ पे बीच में एक गोपी है यहाँ पे वैसे उनको राधा डिपिक्ट किया गया है ठीक है एंड अगेन यहाँ पे आप यहाँ पे आप काना जी एंड यहाँ पे आपके जो अगर एक फीमेल फिगर है वो बैठी हुई है एंड बीच में एक अनदर फीमेल फिगर है ठीक है तो आप क्या इस, इस पूरी की पूरी जो पेंटिंग है इससे आपको कोई स्टोरी पता चल रही है तो डेफिनेटली यस यस मेकिंग अ लैंडस्केप यूजिंग परस्पेक्टिव क्या कोई लैंडस्केप बनाया हुआ है नहीं ड्राॅइंग एंड इमेजनरी करेक्टर यूजिंग ब्राइट कलर्स नहीं कोई इमेजनरी कलर नहीं है तो द आंसर इज बी हेल्पिंग दूयर व्यूअर अंडरस्टैंड द इमेज एंड द जेस्ट एपिसोड ऑफ अ स्टोरी ठीक है ओके नेक्स्ट इज अ सोशन एंड रीजन अगेन फैक्ट द स्कल्पचर क्राइज अनहर्ड इज़ एस्थेटिकली पावरफुल इन डिपेक्टिंग अ हेल्पलेस फैमिली आज थिंक फॉर सपोर्ट क्राइज एन हर्ड अगर आपको याद होगा तो ऐसे तीन जो कल्चर थे वो खड़े हुए थे एंड उनके हाथ ऐसे ऊपर थे क्राइज एन हर्ड दोज इमोशंस आर सक्सेसफुली शो केयस थ्रू सीमेंट एंड वुड अब यहाँ पर आपको भाई ध्यान रखना है कि भाई क्राइज एन हर्ड हमें याद है वो कल्चर है ये भी हमें पता है पर क्या वो सीमेंट और वुड से बनी हुई हैं सीमेंट और वुड का तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन ही अजीब है खैर चलो कोई बात नहीं पर क्या वो इससे बनी हुई है तो नो अगर इतना इजी आपका सोशन और रीजन रहेगा तो आई होप कि आपको पता चल जाना चाहिए कि वो इस मटेरियल से तो कतई ही नहीं बनी हुई इस कल्पचर आपकी तो द ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ठीक है नेक्स्ट आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्राइज अनहर्ड किस मटेरियल से बनी हुई है जिससे मैंने अभी तक तीन क्वेश्चन पूछे हैं एंड देखते हैं कौन इनका आंसर बिल्कुल सही सही करता है ओके विडो हैज बीन शोन ओके विडो का अभी हमने पढ़ा है पेंटिंग के अंदर इससे पहले जो मैंने आपको सैम्पल पे कराया पेंटिंग का कि एक विडो के बारे में दिखाया गया है जिसके कोई भी फेशियल फीचर्स नहीं है आइडेंटिटी नहीं है उसके आर्टिस्ट और उसका मीडियम क्या है ये ग्राफिक प्रिंट है अगर अब आपको याद है और इसका मीडियम ओके okay, अगर अब आपको याद है तो मैंने इसमें आपको ऑलरेडी बताया था इससे पहले अनुपम सूद की बनाई हुई है ये पेंटिंग जहां प्रिंट में जहां तो एक जहाँ पे आप देख सकते हो एक विडो बैठी हुई है उसके यहाँ पे एक जो आदमी है वो लेटा हुआ है ठीक है नेक्स्ट एफ आइडेंटिफाई द द द पेंटिंग सुप्रीम पावर ऑफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा सेविंग पीपल फ्रॉम आईडेंटिंग रिमेंबर जब मैंने आपको ये वाला अगेन पेंटिंग पढ़ाई थी तब तो मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो दिखाई थी ठीक है तो इसको याद रखना आई होप आपके लिए बहुत अच्छी हो बहुत ईजी हो जहां पर आपको बताया गया कि लॉर्ड कृष्ण जो है वो सेव कर रहे हैं गोकुल के लोगों को इंद्र के से मीनेचर बेस्ट माला पारा मासा, और और हमने माना कि भाई चलो मुगल सेकुलर थे ये एक और बात बतानी है मुझे मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ गए मुगल सेकुलर थे लामा मुगल सेक्युलर थे लॉल देखो भाई सेकुलर थे नहीं थे वो हमें उससे कुछ लेना नहीं देना नहीं है ठीक है एंड नो डाउट अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करने जाओगे कि वो एक्चुअली में सेकुलर थे या नहीं थे तो कुछ जो थे वो कहीं हद तक मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो पूरे सेकुलर थे नो बट कहीं ना कहीं थोड़े लीनियंट थे वो ठीक है और जब आप औरंगजेब की बात कर रहे हो वो तो कट्टर मतलब वो कट्टर बिल्कुल सेकुलर नहीं था ठीक है वो नहीं था सेकुलर तो ऐसी बात है ना द सेकेंड थिंग चलो इस सबको मैं साइड भी कर दूँ तो अगर आपकी बुक में मैंशनड है कि हाँ उन्होंने पेंटिंग बनाई है जो कि एक सेक्युलर चीज़ को दिखा रही है दैट इज़ भाई कबीरन रायदास ठीक है दैट इज़ कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन तो अगर वहाँ पे ये चीज़ मैंशन है उनका यही एक सेकुलर एटीट्यूड दिख रहा है तो यू हैव टू राइट ऑन इन द पेपर ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं भाई मेरे को तो सेकुलर नहीं लगते तो मैं तो नहीं लिखने वाला मैं नहीं लिखने वाली मत करना ऐसा बिकॉज टीचर सीधे सीधे देखेगा कि नंबर तो गलत लिखा है ऐसे नंबर काटो ठीक है तो प्लीज़ उस टाइम अपने इस चीज़ को साइड रख देना कि वो सर्कुलर नहीं थे एंड प्लीज़ मार्क कर लेना आंसर को जो सही आंसर है ठीक है ओके नेक्स्ट इसकी भाई रागमाला बारामासा एंड कृष्णलीला कौन से किस थीम के ऊपर है भाई राजस्थानी स्कूल के अंदर हमने पढ़ा था इसको वहीं से इस चीज़ को उठाया गया है ठीक है एंड ये सब तो कतई नहीं है आपको ही पता है क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही सारी सारी चीज़ें पढ़ा चुकी थी जब हम लोग राजस्थानी स्कूल डिस्कस कर रहे थे ठीक है डेकोरेटिव बॉर्डर्स हैव इनमेंसली यूज इन द मीएचर पेंटिंग्स किस मिनीचर पेंटिंग्स के अंदर दिखाई गई है राजस्थानी के अंदर नहीं मुगल स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग के अंदर दिखाई गई है ये बात इससे पहले जो हम लोग साम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे द रीज़न वाई आई टोल्ड यू कि आपको हर एक सैम्पल पेपर देखना चाहिए इज दिस ठीक है तो क्या हमें पता चल गया था उसमें कि हाँ भाई बहुत ही सुंदर सुंदर गोल्डन मोटिफ्स दिखाए थे बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें वगैरह जो है उस पेंटिंग के अंदर जितनी भी आपकी मुग़ल में पेंटिंग्स है उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी इसकी भाई नंबर वन अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इज मेड ऑन द पोएम ऑफ कालीदास डिपेक्टिंग द प्योर लव ऑफ यक्षा एंड यक्षनी बाय द बेंगोल स्कूल पेंटर यक्ष और यक्ष के बारे में दिखाया गया है डिस्क्राइब दिस पेंटिंग ब्रीफली मैंशनिंग द नेम ऑफ द आर्टिस्ट जहाँ पे आपको बताना है कि भाई किसके बारे में इस पेंटिंग के अंदर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहली चीज यक्षा एंड यक्षनी एंड बेंगोल स्कूल आपके आप सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान देना है ठीक है बंगाल स्कूल के बारे में बात की गई है अब मैं चली जाऊँगी सीधे बंगाल स्कूल पर भाई बंगाल स्कूल की कितनी पेंटिंग्स हमने पढ़नी थी बंगाल स्कूल में आपको पढ़नी थी चार पेंटिंग्स एंड चार पेंटिंग्स में से जर्नीज एंड इसमें ऐसा कुछ दिखा रहा है यक्षिणी के बारे में नहीं वहाँ पे आपको दिखा रहा है राधिका नहीं वहाँ पे आपको दिखा रहा है शिवन सती नहीं एंड वहाँ पे आपको दिखा रहा है मेघ दूत इफ यू रिमेंबर मेघ दूत वॉज अ पोयम मेघ दूतम वॉज अ पोएम रिटन बाय कालीदास ठीक है कालिदास जी ने उस पोएम को लिखा था एंड वो बंगाल स्कूल की है जहाँ पे हम लोग यक्ष एंड यक्षिणी के बारे में बात कर रहे थे बस उसी पेंटिंग को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है दैट्स इट ठीक है अब एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द नेम ऑफ द आर्टिस्ट तो खैर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया छः से सात चीजें हैं जो आपको हर जगह मैंशन करनी ही करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल स्कूल आर्टिस्ट बाय द द इंस्पायरिंग मोटिवेटेड कॉमन पीपल नेशनल फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पे आपको बंगाल स्कूल बताना है बहुत ही छोटे तरीके से कि कैसे उनके जो आर्ट वर्क हैं उन्होंने कैसे जितने भी लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया कि आप भी आइए आप भी हमारे जो ये फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर एक हिस्सा बनिए इफ़ यू रिमेंबर आई टॉट यू कि भाई कैसे नंदलाल बोस का कॉन्ट्रीब्यूशन था ठीक है और कैसे इसी के साथ साथ अभिन्द्र नाथ टैगोर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन था उनकी जो स्टूडेंट्स थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था काल भवाना जो है काला भवाना जो म्यूजियम है आर्ट म्यूजियम वो बनाया गया था आर्ट स्कूल तो इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत ही छोटे 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 तरीके से आपको लिखनी है इस वाले आंसर के अंदर ठीक है द थिंग के बस मटेरियल बहुत सारा है बट आप छोटा सा लिख सकते हो तो इन दिस और वाला क्वेश्चन में अगर मैं आपकी जगह होती आई वुड प्रेफर दिस क्योंकि बहुत सिंपल है वहाँ पे आपको कुछ छूटने का या फिर कुछ ऐसा चांस नहीं है वो बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है ठीक है बाकी इट्स अप टू यू पेंटर टाइटल पेंटिंग यहाँ पे इफ यू रिमेंबर यहाँ पे बात की गई है अमृता शेरगिल के बारे में बिकॉज वही एक आर्ट, आर्टिस्ट थी जो ईस्ट एंड वेस्ट यहाँ पे बात की गई है उन्होंने बहुत सारे तरीकों से अपने आर्ट वर्क को बनाया गया था शी है वो पोवर्टी सफरिंग दिखाई गई है वुमेन के बारे में तो कौन कौन है वो आर्टिस्ट भाई वो आर्टिस्ट है अमृता शेरगिल पता कैसे चला हमें देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे पोवर्टी and सफरिंग ऑफ वुमेन ये बताया गया है एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे बताया गया है ईस्ट एंड वेस्ट इन हर वर्क ऑफ आर्ट तो इन चीज़ों से आपको पता चल चाहिए कि भाई हम किस आर्टिस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज़ भाई मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग डन ओके ये यहीं पे पता चल गया कि भाई मदर एंड चाइल्ड जो है वो कहाँ की बात की गई है किसने बनाई है और किस बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग हाउ द आर्टिस्ट हाथ सक्सेसफुली यूज द एलिमेंट्स एलमेंट एंड आर्ट एक्सप्लेन भी यहाँ पे आपको पूरी पूरी जो पेंटिंग है उसको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट टू सेंस बोथ आर लॉस्ट इन डीप हैविंग बीन शोन इन द मुगल मिनियचर पेंटिंग और वहाँ पर आपकी बात की गई है टू सेंट्स के बारे में जब भी टू सेंट्स हैं आपका याद रखना साथ में आपको मुगल मिनिएचर पेंटिंग दिया ही होगा अगर चलो नहीं दिया हुआ रहा किस्मत बुरी हुई नहीं दिया हुआ रहा तो टू सेंट्स हैं सेंस इस चीज़ को याद रखना कि भाई किसके बारे में बात की गई है एंड उसी पेंटिंग को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है देख रहे हो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा कि एक्सप्लेन दिस पेंटिंग कबीरन रायदास के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेन कबीरन रायदास नहीं आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हो आपको यहाँ पर क्वेश्चन हल्का सा मोल्ड करके पूछा गया है ठीक है द रीज़न बाई यू हैव टू फोकस ऑन द पेंटिंग पिक्चर एंड ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन इसलिए मैंने जितने आपके जो नोट्स हैं उसमें साथ साथ आपकी पिक्चर भी लगाई हुई है तो उनका प्रिंट आउट निकाल करके उनको ध्यान से पढ़ लेना ठीक है नेक्स्ट सिमिलर पेंटिंग ऑफ डेक्नी स्कूल डिपेक्ट सूफी विद अ फेमस म्यूजिशियन दे हैड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विच द आर्टिस्ट ट्राई टू पेंट इन इज आर्ट वर्क भाई डेकिनी स्कूल के बारे में बात की गई है जहाँ पे एक फेमस सूफी म्यूजिशियन है जिसके बारे में आपको मैंने उसका ऑपोजिट बताया था ना मैंटर वाला हज़रत नजामुद्दीन औलिया वाला तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है एंड उसमें बोला गया है कि भाई आपको पेंटिंग बतानी है टेक्निक बताना है टाइटल है और क्या स्पेशल बॉन्ड है जो उनके बीच में इस पिक्चर के अंदर दिखा रहा है तो भाई मेंटर का है गुरु का है वो इसके अंदर दिखाई दे रहा है हमें सेट एज अ यूथ यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वट सिग्निफिकेंस इंडियन नेशनल फ्लैग बी यर्स फॉर यू मैंशन द सिग्निफिकेंस ऑल दो कलर्स प्रेजेंट इन द इंडियन नेशनल फ्लैग ओके अगेन मैं आपको अगर इसका बताऊंगी तो आपको वही सारी चीज़ें लिखनी है कि भाई कैसे जो हमारे इंटरनेशनल फ्लैग है जुलाई ट्वेंटी टू नाइनटीन फोटी सेवन वाला उसके बारे में डिस्क्राइब करना है एंड उसके जितने भी सिग्निफिकेंस हैं जो मैंने आपको प्रॉपर एक बॉक्स में बताया हुआ था सिग्निफिकेंस सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंशन करनी है नेक्स्ट इसके भाई स्कल्पर शोइंग टीम वर्क डिस्प्लेड इन द फ्रंट ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एक्सप्लेन ब्रीफली पीस ऑफ मॉडर्न ओके मॉडर्न आर्ट स्कल्पर नेशनल गैलरी ये तीन चीज़ें हैं जैसे आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई ट्रायम्प ऑफ लेबर के बारे में ठीक है तो आपको हमें बात करना है भाई मीडियम और उसके टाइटल के बारे में एंड इफ यर थिंकिंग कि भाई ये तो ऐसे ऐसे लाइक ऐसे ऐसे आंसर्स हमें पता चल रहे हैं या फिर बहुत ईजी लग रहे हैं या फिर हमें बस यहाँ भी पता चल रहा है हम क्वेश्चन पेपर में जाके पता है नहीं चलेगा चल तो ऐसा नहीं है गाइस ठीक है ट्रस्ट में आप पेपर में ना पेंटिंग्स के जो क्वेश्चन है उनके वर्डिंग्स पे ध्यान देना ठीक है वर्ड्स पे ध्यान देना क्या क्या आप वर्ड्स दे हैं एंड यू विल गेट इट कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ठीक है एंड उसके आप यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस बसोली मिनिएचर पेंटिंग अब की बात की गई है भाई हमारे पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग के बारे में बात की गई है बसोली मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा इज सराउंडेड बाय गोपीज अगर आप इसको थोड़ा सा डी कोड कर लेने की कोशिश करोगे कृष्णा विद गोपीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस पेंटिंग के बारे में बात की गई है एंड उसी के बारे में यहाँ पर आपको समझाना है जेस्टर ऑफ गोपीज टेंटिमेंस बताने हैं वो सारी चीजें इसमें मैंशनड है हाउ पहाड़ी और या फिर हाउ पहाड़ी स्कूल में नीचे पेंटिंग कम्युनिटी एग्जिस्टेंस मैंशन एन ए टू पहाड़ी सब स्कूल्स <coughs> अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया इसका डिस्क्रिप्शन पहाड़ी स्कूल का डिस्क्रिप्शन बताना है और आपको कोई भी दो पहाड़ी सब स्कूल्स बताने हैं अब खाली ऐसा मत करना सबोज आपने बसोली समझाया कुल्लू समझाया तो खाली नाम लिख के छोड़ दिए थोड़े से दो दो लाइन में लिख देना बिकॉज नंबर उसी के हैं ठीक है सो so, अगेन अगर आपकी जगह मैं होती यहाँ पर तो आई वुड सजेस्ट दिस क्योंकि इसमें आपको खाली एक पेंटिंग को ही एक्सप्लेन करना है ओके लास्ट सेक्शन सेक्शन सी के ऊपर आते हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है एंड कोई भी टू करने हैं

नॉट हैविंग फेशियल फीचर्स ठीक है नंबर थ्री की भई बहुत ही ज़्यादा कम्पैश एम्परमेंट ऑफ कम्पेशन है एम्बरेज पुअर ठीक है अगेन एम्बरेज द पुअर एंड डस्टिट्यूट एज अर ओन हैज़ बिन कैप्चर्ड ऑन द कैनवास सेमी एब्सट्रैक्ट फॉर्म्स एम्बरेज द पुअर अगर आपको याद है मॉडर्न ट्रेंड्स की जितनी भी आपने पेंटिंग्स पड़ी हुई है उसमें आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं हमारी है मदर टेरेसा हमारी है हल्दी ग्राइंडर मदर एंड चाइल्ड रामा वेंकटिंग प्राइड ऑफ द ओशन उसमें से रामा वेंकटिंग प्राइड ऑफ द ओशन नहीं है क्यों क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो उसको हमने हटा दिया मदर एंड चाइल्ड भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे पुअर के बारे में बात की गई है वो भी नहीं है थर्ड है भाई हल्दी ग्राइंडर और है मदर टेरेसा अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हो रही है टाइमलाइन टाइमलेस एम्बोर्डमेंट ऑफ कंपैशन कंपैशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे सेमी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के बारे में बात की गई है यहाँ अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड कंपैशनेट लेडी अगर अब आप इसमें देखोगे हल्दी ग्राइंडर वो गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपकी काफ़ी सारी फीमेल फिगर्स हैं फॉर एग्जाम्पल थ्री टू फोर यहाँ पे एक ही के बारे में बात की गई है दैट इज़ कम्पैशनेट लेडी एंड दैट ओनली इस पेंटिंग इज मदर टेरेसा तो दिस इज हाउ यू यून आ नो कि आपको कौन सी पेंटिंग के बारे में पूछा गया है तो ऐसे करके आपने वर्ड्स पकड़े अब आप आपने वर्ड्स पकड़ लिया अब आप इस पेंटिंग को जिस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहो जितने अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहो एक्सप्लेन कर सकते हो एंड प्लीज रिमेंबर जब आप इनके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल कंपैशनेट लेडी आप इसका आर्टिस्ट पहले पेंटिंग का नाम लिखोगे ना पेंटिंग तो वहाँ पर आप लिखने वाले हो मदर टेरेसा ठीक है मतलब टेरे से उसको अंडरलाइन करना या फिर उसको बॉक्स कर देना ताकि टीचर को इस वाले क्वेश्चन का कंपैशनेट लेडी का आंसर मिले कि हाँ भाई इसका इसने आंसर लिखा है ठीक है और ऐसे जो भी कोई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका आंसर्स को अंडरलाइन ज़रूर करना ओके okay, नेक्स्ट द aesthetically depiction ऑफ नायका इन द राजस्थानी मीनेचर पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट निहाल चंद ओके बस आपको इतने से पता चल जाना चाहिए कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे राधा बनी ठनी के बारे में क्योंकि निहाल चंद जो है वो उन्हीं के आर्ट उन्हीं के आर्टिस्ट और उसी पेंटिंग के हाँ राजस्थानी मिनेचर पेंटिंग के बारे में बात हो रही है अब आपको यहाँ पे सब बताना है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ दिस सब स्कूल अब किस सब स्कूल के बारे में बात कही है अगर आपने सब स्कूल ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम लोग किशनगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं और आपको दो तीन लाइन्स उसके बारे में लिखनी है ठीक है ओके okay, अब हमें हाँ बताना है कि भाई राजस्थानी में पेंट पेंट राभा ठनी जो है पेंटिंग है उसके बारे में आप क्या क्या चीज़ें जानते हो क्या क्या चीज़ें पता है आपको आपको हर एक चीज़ बतानी है हाउ डिड द इंडियन गवर्नमेंट गिव दिस पेंटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट अब इस पेंटिंग को इतनी ड्यू रिस्पेक्ट क्यों दी गई है आपको इसका आंसर भी लिखना है इसके अंदर वेल well, यहाँ पे साफ साफ सीधी सी बात है कि भाई ये जो पेंटिंग एक स्टैम्प पेपर के ऊपर भी स्टैम्प की गई है ये जो पेंटिंग है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि ये एक पोस्टल स्टैम्प के ऊपर भी स्टैम्प की गई थी एक टाइम पे ये इतनी सुंदर पेंटिंग मानी जाती थी ठीक है नेक्स्ट uh, और उस वक्त आपको पूरा इसको डिस्क्राइब करना है दैट्स इट थर्ड इज की भैया अब पेंटिंग मेटिकलर्सली डन शोज jointly and joy of royal marriage procession highlighting okay यहाँ से पता चल गया हमें कि हाँ भाई कहीं ना कहीं दारा सिखों की जो शादी हुई थी उसके बारे में बात की गई है मतलब ग्रांज थ्रू हाली ऑर्मेंटेड फिगर्स सराउंडिंग एलिमेंटेड वर्क ओके अब आपको बताना कि भाई एज अ स्टूडेंट आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है आप कैसे इसको कंपेयर कर सकते हो इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है पहले आप पूरी पेंटिंग समझाओगे ठीक है पूरी पेंडिंग आपने समझा दी एंड में लिख देना आप कि भाई आप कैसे कंपेयर कर रहे हो कि सोचो उस टाइम के अकॉर्डिंग कितनी हाईली रिच तरीके से जो शादी है वो की गई थी बहुत ही ज़्यादा फायर थे गोल्ड का, का काम किया गया था तो बहुत ज़्यादा ही रॉयल्टी को दिखाया गया है दैट्स एट विद दिस तो आपको एक खाली खाली यही सारी चीज़ें जो हैं उस पेंटिंग के अंदर बतानी है ओके okay, गाइज मैंने आपको आई रिम्बर बोला था कि हम लोग चार सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं बट ये वीडियो इज लिटरली वन आवर लॉन्ग तो इस वजह से मैं जो आपके जो बाकी के दो सैम्पल पेपर्स हैं ग्राफिक्स एंड स्कल्पचर वो आपको मैं डालूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में सो टिल देन स्टे कनेक्टेड कोई क्वेश्चन है कुछ क्वेरीज है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड स्टे कनेक्टेड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर Upcoming exams and for your preparations. Bye!